हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, वीडियो देखा और मेरे को इतने सारे फीडबैक मिले अबाउट दिस वीडियो इम्प्रूवमेंट्स एंड क्या क्या मेरे को करना चाहिए था इसमें और क्या क्या मैंने नहीं किया और क्या क्या अच्छा किया। मेरे को सारे फीडबैक मिले आप सभी लोगों से। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपने रिक्वेस्ट की थी। ओके, तो ये वीडियो है मॉन्टपेलियर जो कैपिटल है वर्मोंट स्टेट की, और उसके बगल से ये रिवर बहती है। तो दोस्तों, यहाँ का अभी का टेम्परेचर है इज -10 डिग्री सेल्सियस दिन के टाइम। पानी के अंदर का टेम्परेचर इससे भी कम होगा, मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ठंडा है। तो दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ कि ये जो कैपिटल सिटी है वर्मोंट स्टेट की, जिसको मॉन्टपेलियर का नाम दिया गया है, बहुत छोटी सी सिटी है, छोटा सा डाउन टाउन है इसका। तो स्टे ट्यून्ड, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि डाउन टाउन यहाँ का कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और कितना बड़ा है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कब अगला वीडियो डाला है और आप देख सकोगे। दोस्त, बाहर का टेम्परेचर जो अभी है वो -10 डिग्री सेल्सियस जो मैंने आपको पहले बताया, और पानी के अंदर का टेम्परेचर और भी कम है। और कई बार क्या होता है कि ऊपर पानी की लेयर पूरी बर्फ ही बर्फ होती है और इतनी मोटी लेयर जम जाती है कि आप उसके ऊपर चल भी सकते हो, लेकिन वो करना बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि कुछ जगह पे बर्फ का जो लेयर का जो थिकनेस है वो इतना नहीं होता कि आपका वेट सस्टेन कर सके, वो टूट के आप पानी के अंदर जा सकते हो। तो उतना रिस्क कोई नहीं लेता है। तो अभी तो इतना पानी जमा नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे पानी जम जाएगा, और जितना भी पानी का बहाव है वो इसकी नदी के नीचे से बहता है। तो दोस्त, अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ आपको दिखाने के ऊपर से ये नदी कैसे दिखती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है इसका, तो आई थॉट के मैं आपको भी दिखा दूँ। और ये दूसरी तरफ का है जहाँ से नदी आ रही है बहते हुए। यहाँ का काम कभी भी दोस्त रुकता नहीं है, यहाँ काम हमेशा चलता रहता है, चाहे टेम्परेचर -10 हो, चाहे -40 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे -50 हो। आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं, इन बिल्डिंग के अंदर काम भी चल रहा है, लोग आ जा भी रहे हैं। और ये अब मैं पहुँच गया हूँ एकदम उस सीन के ऊपर जहाँ से मैंने आपको शुरू में दिखाया था, लो लेवल पे कैप्चर किया था। ये बिल्कुल उसके ऊपर का नज़ारा है, पानी का कलर थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर वाटर है। अगर आपको मैं दूसरे एंगल से दिखाऊंगा तो नीला दिखेगा, जो कि आसमान का कलर इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है तो नीला दिखता है। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ग्रीन दिखेगा, क्योंकि उसके नीचे का जो सरफेस होगा वो ग्रीन होगा। और ये है पूरा नदी का सीन, जो नदी बहते हुए मॉन्टपेलियर की तरफ जाती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैं इसीलिए ये कैप्चर करके आपको दिखाना चाहता था कि कितना सुंदर दिखता है ये नज़ारा। और अब मैं अपनी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, वो मैं डिक्रीज करते हुए नीचे आ रहा हूँ। इस समय टाइम 3:30 शाम के हुए हैं, और अगले आधा घंटे या 45 मिनट में सूरज छिप जाएगा और अंधेरा हो जाएगा और टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी रोड के ऊपर लोग घूमते हैं, चलते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। दोस्त, आज के लिए इतना ही, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने पहले वाला वीडियो देखा है, सजेशंस दिए इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो कब डाला है और आप उसको देख के मजे ले सकते हो। और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।